हेलो दोस्तों, अंकित टेक एंड ब्लॉग के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो फ्रेम में गाड़ी दिखाई दे रही है वो है ग्लैमर, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे वाले वो वाली वीडियो पे आया था, सर्विसिंग वाली, कि आप लोग की गाड़ी बार बार बंद जा रही है तो इसका क्या उपाय है। तो मैं आज बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि उसकी गाड़ी बंद हो जा रही है बार बार, और बंद होने की प्रॉब्लम ये ग्लैमर में, सुपर में, सब में है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और पर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ में सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप देख पाएंगे इसी चैनल पे। तो सबसे पहले चीज़ की अगर हम बात करें कि गाड़ी बंद होने का क्या रीज़न रहता है, तो ये देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं थ्रॉटल या एक्सीलरेटर। तो सबसे पहले आप अपना जो थ्रॉटल है इसको चेक करवाइए कि कितना है ये, क्योंकि ये आपका ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ही नहीं ठीक रहेगा आपका तो इससे भी गाड़ी बार बार बंद होती है, और सर्विसिंग के समय आम तौर पे ये लोग इससे छेड़ाखानी करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बार बार बंद होने लगती है। मेरी वाली गाड़ी में भी जो जो उन्होंने किया वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी वो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी कि दिक्कत आखिर आ कहाँ से रही है, लेकिन फिर जब स्टेप बाय स्टेप चेक किया गया तब पता लगा कि दिक्कत यहाँ से है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम इसके जब इसका एक्सेलेरेटर आप सेट करवा चुके होंगे, और अगर बात करें इसके आवाज़ की, तो कुछ इस तरीके से आवाज़ करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है आपका इसका जो ब्रेक पैडल है, तो मेरा ब्रेक पैडल जो था वो काफ़ी टाइट था, पीछे के ब्रेक्स जो हैं, और इसमें तो आईबीएस सिस्टम आता है, तो जैसा अगर आपका ब्रेक काफ़ी टाइट रहेगा गाड़ी का तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप चलेंगे तो जब भी लोड पड़ेगा या गड्ढा कुछ भी आता है तो होता क्या कि गाड़ी अपने आप घिंचती है, और जो ब्रेक्स है वो अपने आप अप्लाई होते हैं पीछे के, जब ब्रेक पर लोड पड़ता है तो वो अपने आप ही जो उसका जो ब्रेक पैड रहते हैं वो सटते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बार बार बंद होने की समस्या रहती है। तो पहले ये दो चीज़ दिखवा लीजिए, और तीसरी चीज़ जो आपको दिखवानी है वो है क्लच। तो गाड़ी का जो क्लच है ये मेरा ढीला था, तो जिसके कारण से बार बार गाड़ी बंद जाती थी आइडल पोजीशन में। जब भी मतलब एक नंबर में या दो नंबर में, मान लीजिए आप खड़े हैं कहीं स्पीड ब्रेकर पे या किसी गड्ढे में, तो बार बार गाड़ी बंद हो जाया करती थी मेरी, और मैं लगभग 3 दिन गया, उसके बाद जाके तब मेरी गाड़ी ठीक हुई। तो जो आपका क्लच है इसको भी बिल्कुल ओके करवा लीजिए। अब इस समय जो मेरा क्लच है, जब मेरी गाड़ी आई थी तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे उसी तरह हो चुका है ये। तो ये तीन चीज़ आप पहले ध्यान रखिए, अपना एक्सेलेटर थ्रॉटल दिखवा लीजिए कि सही है कि नहीं, और जो सबसे अच्छा मिस्त्री हो, मैं तो सबसे अच्छे मिस्त्री को दिखाया था एजेंसी में, तो उसने मेरी गाड़ी ठीक करके दी, क्योंकि और किसी के बस की बात नहीं थी इसको ठीक करके देना, क्योंकि 3 दिन से लगातार जाना और मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और कोई ठीक भी नहीं कर पा रहा था, केवल कहते थे लोग कि ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जब तीन चीज़ आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद आता है, मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट करके, आइडल पे आप देखिए कि कितना इसका जो आरपीएम है वो कितना, क्योंकि जब उसने जब कंप्यूटराइज जब गाड़ी चेक की ईसीयू से लगा के, वही मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लिपिंग में देख सकते हैं आप, और मैं दिखा दूंगा आपको कि ईसीयू कैसे कनेक्ट होता है इसका। तो जब भी इसने आइडल पर लगा के गाड़ी न्यूट्रल पे चेक की, तो जो इसका आरपीएम रहता है कंप्यूटर जो दिखा रहा था वो था 1400 प्लस माइनस 100, यानी 1300 से 1500 के बीच में फ्लक्चुएट करना चाहिए, और देखिए वही हो रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से बिल्कुल ही गाड़ी इधर मुक्के, और समय तो देख सकते हैं सवेरे सवेरे का टाइम है तो आरपीएम वैसे ही फ्लक्चुएट होते हैं, तो आप आरपीएम भी अपना चेक करवाइए, क्योंकि जब ये तीन चीज़ आप चेक करवा चुके रहते हैं तो सबसे लास्ट में जो चीज़ आज बचती है वो है इसका आरपीएम। और इसको आइडल पर खड़ा करके और वो लोग आरपीएम चेक करते हैं, अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो लोग आरपीएम से चेक करने के बाद, तब फिर बात आती है चौथे नंबर की, और चौथा नंबर यानी इसको फिर सबसे लास्ट में कंप्यूटर से गाड़ी चेक की जाती है, यानी ईसीयू को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वो लोग वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देख सकते हैं।
और उसमें बिल्कुल ही आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो ओके रहना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम रहती है या कुछ भी समस्या रहती है तो वो अपने आप डायग्नोस कर लेता है सिस्टम, और BS6 गाड़ियों में यही सब दिक्कत है। तो आइए दिखा देते हैं आपको कहाँ से कनेक्ट होता है इसका ECU और कैसे वर्क करता है। तो देख सकते हैं यहाँ से कुछ सीट इसकी खुल जाती है, ये देख रहे हैं आप, ये रेड वाला जो है यही वाला कैप उस भाई ने हटाया था, और हटाने के बाद फिर जो गाड़ी है वो कनेक्ट की थी अपने सिस्टम से, जिसके बाद की पूरी प्रॉब्लम जो थी वो गाड़ी की, आपकी हेल्थ रिपोर्ट, RPM, ये जो कुछ भी था सब कुछ एकदम क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद से लास्ट में क्या किया उन्होंने कि इसको रीसेट मार दिया, और जैसे ही रीसेट किया तुरंत ही गाड़ी अपने आप बंद हो गई। और उसके बाद से आज तक लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप हमेशा अपना जो ECU है उसको चेक करवाइए कि क्या वो कायदे से वर्क कर रहा है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं और इन सब में ये सब प्रॉब्लम आती रहती है छोटी मोटी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और जो जो भाई पूछ रहे थे कि गाड़ी बंद होने का बता दीजिए कैसे ठीक होगी क्या होगा, क्योंकि उनकी भी गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है। तो उम्मीद है आपको पूरा आपका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला है अभी भी नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जाके कमेंट करके आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल हो, तो मैं आपकी जो भी क्वेरीज रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, देख सकते हैं ये है सेल्फ रेड कलर का, इसी तरह से नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सेल्फ क्लिक किए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसी तरह बिना सब्सक्राइब किए जाना अच्छी बात नहीं है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइए।